हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी। आप सबको एक जरूरी सूचना दे देती हूँ। आपको जो क्लिप दिखा रही हूँ, माफ करना, वो दूसरे जगह का है, लेकिन जो सूचना बता रही हूँ वो सही है, सटीक है। तो अभी चल रहा था पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा, वो भी कहाँ, महाराष्ट्र में नांदेड़ पे, जहाँ पे आज दूसरा दिन था। जो दूसरा दिन था वो पहले कल से स्टार्ट हो चुका है, 23 तारीख से। अब उसके बाद हमारे इधर भी आप देख रहे हैं, शाम को रात में आंधी आ रही है, बारिश हो रहा है गरज चमक के, वैसे ही महाराष्ट्र में खूब तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पूरे जो पंडाल है वो कीचड़ कीचड़ हो गया है, दलदल हो गया है, जिसकी वजह से पब्लिक की बैठने की जगह नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पूरा कीचड़ कीचड़ दिख रहा है, लेकिन ये कुछ नहीं है। वहाँ के में पूरे पानी भर गया है, कम से कम 3 से 4 फीट, और दलदल भी आ गया है, जिसकी वजह से पंडित प्रदीप मिश्रा जी को आज कथा को स्थगित करना पड़ा, पोस्टपोन किए। मतलब खुद गुरुदेव जी ने बताया कि आज की कथा कल से होगा शुरू, दूसरे दिन की कथा को हम 25 तारीख को बताएंगे करके, मतलब 23 को पहला दिन हुआ और 24 को पोस्टपोन कर दिए, अब 25 को होगा। लेकिन ये नहीं पता कि अब 5 दिन का होगा कि 6 दिन का होगा, ये आपको कथा का आपको फेसबुक पे आस्था टीवी के माध्यम से पता चल जाएगा। अगर आप जाने वाले होंगे महाराष्ट्र कथा स्थान पे, तो प्लीज़ मत जाइए, उधर पानी वर्षा बहुत हो रही है, जिसके वजह से दिक्कतें बहुत आ रही है। आपके पास अगर धूप आ रही है, गर्मी लग रहा है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हवा की व्यवस्था कर सकते हैं, प्यासे को पानी पिला सकते हैं, लेकिन जो ऊपर से पानी गिरता है, आंधी आता है, तूफान आता है, उसको ना कोई रोक सकता है ना कोई हटा सकता है, ये केवल और केवल परमात्मा के ऊपर रहता है। इस वजह से यहाँ की जो जगह है वो बहुत ही ज़्यादा दलदल हो चुकी है, और उस दलदल के वजह से आज सुबह से सोच रहे थे कैसे करें कथा को, कैसे करे, तो कथा को नहीं हुआ। पंडित जी आए थे आसन पे, और आसन में आने के बाद में सबको डिटेल दिए आस्था टीवी के माध्यम से कि कथा को पोस्टपोन कर दिया गया है, कल होगा, क्योंकि कल तक में इस जगह को सुखाया जाएगा, सुखाने की व्यवस्था कर रहे हैं, और कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सारा चीज आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैं हूँ दूर पे, सिर्फ मैं सूचना लेने आई हूँ, क्योंकि मेरे को बार बार कमेंट्स आ रहे थे, नांदेड़ वाला क्लिप दिखाओ, नांदेड़ वाला सूचना दो, नांदेड़ वाला जानकारी दो करके, तो मैं उसी जानकारी को लेके आ गई हूँ आपके सामने। तो आप कल से देख लेंगे आस्था टीवी पे, फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, और कथा स्थान पे जाने का अगर इरादा होगा, टिकट होगा, तो उसको कैंसिल कर दीजिए। आप घर से देखिए, घर से सुनिए, और शांत रूप से सुनिए, कथा को श्रवण कीजिए और नियम को लागू कीजिए। तो ऐसा रहा जानकारी। अब उन लोग पछता रहे हैं बारिश के मौसम पे क्यों करवा दिए हम कथा को, क्योंकि खर्चा बहुत लगता है, जिसके वजह से पछतावा होता है। जब हमें कथा का टाइम नहीं मिलता तो हम सोचते हैं कोई भी टाइम में पंडित जी हमें कथा तो दे दे, हम करा लेंगे, लेकिन जब हमें मिल जाता है कथा, तब हमें पछतावा होता है कि ऐसी जब घटना आती है तो क्यों हुआ ये सब करके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।